हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू लैंटर्न एकेडमी प्लेटफॉर्म। तो आज के इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से क्वांटम नंबर्स होते हैं लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड द स्पिन क्वांटम नंबर। ये जो चार सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स हैं, इनका पर्टिकुलर क्वांटम नंबर्स का क्या इंपॉर्टेंस है, वो कैसे हेल्प करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कैसे हेल्प करते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिटेल्स में एक एक करके डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ क्वांटम नंबर? तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि ये क्वांटम नंबर क्या चीज़ है। सो क्वांटम नंबर क्या है? क्वांटम नंबर्स ऐसे फोर सेट ऑफ नंबर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन के क्या है, एड्रेस को बताते हैं, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एक्चुअली में पाया जाता है, जाएगा किसी एटम में, उसके बारे में बताया जाता है। सो द नंबर्स यूज फॉर कम्प्लीटली करेक्टराइजिंग ईच इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम आर नोन एज क्वांटम नंबर्स। तो इनको क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर। इसी हिसाब से हमें चार क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है। तो क्या है, फोर सच क्वांटम नंबर्स आर फाउंड टू नेसेसरी फॉर डिस्क्राइबिंग कम्प्लीटली एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली पूरी तरह से डिफाइन करने के लिए हमें चार सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ती है, जैसा कि मैंने बताया। तो पहला क्या है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को एन से डोनेट करते हैं, एजीमुथल को एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम और एम एल से, देन स्पिन क्वांटम नंबर आइदर एस और एम एस से। अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ये बोहस के द्वारा प्रपोज किया गया है, और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है, गिव्स द एवरेज डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड कॉरस्पॉन्ड्स टू द प्रिंसिपल एनर्जी लेवल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है, एवरेज डिस्टेंस बताता है आपके, ये मान लो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे, सपोज़ कि ये ऑर्बिट्स हो गए, तो कितने डिस्टेंस पे आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा और उसका प्रिंसिपल एनर्जी क्या है, वो क्या बताता है आपका, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। सो इन दैट केस n इज इक्वल टू वन पे उसको हम फर्स्ट सेल कहते हैं। तो सपोज ये न्यूक्लियस हो गया, अब जो पहला ऑर्बिट होगा उसको n इज इक्वल टू वन से बोलेंगे, तो ये क्या हो गया, n इज इक्वल टू वन। सिमिलरली सेकेंड ऑर्बिट को क्या बोलेंगे हम, n इज इक्वल टू टू से, लाइक दैट थर्ड ऑर्बिट को क्या बोलेंगे हम, n इज इक्वल टू थ्री से। तो ये n इज इक्वल टू वन हो गया, n इज इक्वल टू टू हो गया, n इज इक्वल टू थ्री हो गया। तो ये सारे क्या हो गए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स एंड सो ऑन, ऐसा ये बढ़ता जाएगा। तो जो फर्स्ट सेल है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, के सेल बोलते हैं। देन द सेकेंड को हम लोग इसको क्या, के बोलते हैं, सेकेंड को एल बोलते हैं, और थर्ड को एम, और फोर्थ वाले को क्या बोलेंगे हम, फोर्थ वाले को एन। तो ये बेसिकली क्या है, इट गिव्स आइडिया ऑफ पोजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। अब इसके हिसाब से हायर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ग्रेटर इज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो आप देखो जैसे जैसे आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है वन से टू, तो जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से देखो अब बढ़ता ही जा रहा है। तो जैसा जैसा आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ेगा, इसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से बढ़ेगा, एंड द एनर्जी क्या होगा, आल्सो हायर एनर्जी होगा उसको, एंड आल्सो हायर इज इट्स एनर्जी। सो ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है को सपोज n इक्वल टू वन है या n इक्वल टू है, तो उसमें कितने नंबर मैक्सिमम पॉसिबल जो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज गिवन बाय 2n स्क्वायर। अब मान लो n इज इक्वल टू वन है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना, 2n स्क्वायर के हिसाब से कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, n इज इक्वल टू टू पे क्या आ जाएगा, 2 इंटू टू स्क्वायर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। सिमिलरली n इज इक्वल टू थ्री पे कितना आ जाएगा, 2 इंटू थ्री स्क्वायर कितना आ जाएगा, 18 मैक्सिमम पॉसिबल इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें आ सकता है। n इज इक्वल टू फोर में कितना आ जाएगा, 2 इंटू फोर स्क्वायर 32 एंड सो ऑन। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। नाउ नेक्स्ट, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये प्रपोज बाय क्या था, समरफील्ड के द्वारा प्रपोज किया था इसको। और एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या आता था आपको, ये बताता है कि इट डोनेट सबसेल टू विच इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स,
एन क्या होगा, मेन सेल हो गया। मेन सेल के अंदर क्या होंगे, सब सेल्स होंगे। उस सब सेल के बारे में एजीमुथल क्वांटम नंबर बता दे कि इलेक्ट्रॉन किस में पाया जाएगा। सो इट टेल्स अबाउट द शेप ऑफ द ऑर्बिटल, वो ऑर्बिटल के शेप के बारे में बताया जाता है। सो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल कॉन्टोर नंबर एन, एल कैन हैव ऑल इंटेग्रल वैल्यूज फ्रॉम 0 to n-1। तो यहाँ पे मैंने दिखा एल का वैल्यू 0, 1, 2, 3 हो सकता है ऐसा। तो जब 0 L की वैल्यू होगी तो उसको क्या बोल देंगे हम, एस सबसेल बोलेंगे। एल इजक्ल टू 1 पे उसको पी बोलेंगे, एल इजक्ल टू 2 पे उसको डी बोलेंगे, एल इजक्ल टू 3 पे उसको एफ बोलेंगे। अब कंपेयर करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल्स का। अब एन इजक्ल टू 1 होगा तो जो एल का वैल्यू क्या होगा, 0 to n-1 तक, एन इजक्ल टू 1, 0 to n-1, 1-1 मीन्स 0, तो 0 to 0 ही जाएगा। एन इजक्ल टू 2 में क्या होगा, 0 to n-1, 2-1 मीन्स 1, तो 0 to 1 वैल्यू जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 to 1। सिमिलरली फॉर 3 इट कम्स एज 0, 1, 2। सिमिलरली फॉर 4 इट कम्स एज 0, 1, 2, 3। तो जो 0 होगा उसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे 1s हो गया। सिमिलरली 0 किसका वैल्यू है, s का वैल्यू, 1 किसका वैल्यू, p का। तो 2 वाले केस में कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे आपके, सबसेल हो जाएंगे, 2s और 2b। सिमिलरली 3 n इजक्ल टू 3 में कितने, एस पी डी, एस पी डी, तो इसको 3s, 3p, 3d से डोनेट करेंगे। सिमिलरली n इजक्ल टू 4 पे कितना हो जाएगा, 0, 1, 2, 3 मीन्स एस पी डी एफ, चारों आ जाएंगे। तो 4s, 4p, 4d, 4f, ये सबसेल का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो एन इज इक्वल टू 4 में उसके पास कितने सबसेल होंगे, 4, 4s, 4p, 4, 3 होगा तो 3 सबसेल होंगे, 2 होंगे तो 2 सबसेल, 1 होगा तो 1 सबसेल होगा, बट उसका वैल्यू ऐसे रहेगा, एल इज इक्वल टू वैल्यू 0 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसके हिसाब से बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, एन प्लस एल की एक रूल था जो मैंने आपको बता दिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से देखना। इलेक्ट्रॉन्स विल इंटर इन दैट सबसेल हुज एन प्लस एल वैल्यू इज मिनिमम, उसके हिसाब से पूरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके ऊपर बेस्ड है। तो ये हो गया आपका एज़ीमुथल क्वांटम नंबर। नाउ सो द एनर्जीज ऑफ द वेरियस सबसेल इन द सेम सेल आर इन द ऑर्डर, उसमें भी दिया है कि एनर्जी किसका ज़्यादा होगा। तो आप देखोगे सबसे ज़्यादा एफ का एनर्जी होगा, देन डी का होगा, पी का होगा, फिर एस। तो एस का सबसे कम एनर्जी होगा, एफ का सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। नाउ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन बी हेल्ड बाई दिस सबसेल्स, तो इस सबसेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं, 2 × 2L+1। इसको आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हो, एस में कितने आएंगे आपको, हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। पी में कितने आएंगे आपके, 6 इलेक्ट्रॉन। आप नॉर्मली ऐसे याद को, एस में 2, पी में 6, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14। अब एस का और अगर ऑर्बिटल बनाओगे आपको क्या होगा, एक ऑर्बिटल होगा, पी में कितने हो जाएंगे, 3 ऑर्बिटल बनते हैं पी वाले सबसेल में। और एल इजक्ल टू डी में कितने, 5 ऑर्बिटल बनते हैं, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, मैक्सिमम ऑर्बिटल्स एक में 2 होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, टोटल 6 हो गए। यहाँ पे 2 ही हो गए, यहाँ पे 2, 2, 2, 2, 2, कितने 10 हो गए, तो 10 हो गए। सिमिलरली फॉर एफ में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल होंगे, 7। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पे सब में 2 2 इलेक्ट्रॉन रह गए, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, 2, 2, 2, करेक्ट। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 14। तो ये हो गया। अब इसको हिसाब से भी निकाल सकते हो, 2 × 2L+1, एल इजक्ल टू आपने 3 रखा तो कितना हो जाएगा, 2 × 3+1, 6+1, 7 × 2, 14। तो वही यहाँ पे आपका लिखा है, ये आप यहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। तो सिंपल सा फंडा आप इसको याद कर लो, एस में 2 आएंगे, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10, एफ में 14। और ये फार्मूला क्रॉस वेरीफाई करने के लिए आप याद कर लो, इसके हिसाब से ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल है, 4 ही चीज़ें, तो आप इजीली याद कर सकते हो। अब बात करते हैं हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं एम और एम एल से। तो ये जो प्रपोज किया था, इट वॉज प्रपोज बाय लैंडे टू एक्सप्लेन जीमन एंड स्टार के फेड। सो दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द प्रिफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्पेस,
ये बताता है कि ऑर्बिटल का स्पेस के अंदर कैसा ओरिएंटेशन होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में होगा, तीनों में होगा, कैसा होगा डिपेंड्स करता है ऑर्बिटल के टाइप का, एस ऑर्बिटल का शेप कैसा होगा, पी का अलग होता है, डी का अलग होता है, तो उन सब का ओरिएंटेशन कैसे स्पेस में होगा वो डिफाइन करता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो द वैल्यू ऑफ एम इज डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एल। अभी वैल्यू ऑफ एम जो है वो एल की वैल्यू पे डिपेंड करता है, और उसका वैल्यू माइनस एल टू एल जो भी वैल्यू होगा उसका वैल्यू क्या होगा, प्लस क्या आपका वह डिपेंड करेगा, प्लस एल से लेके जीरो तक तो जाएगा और माइनस एल तक ये वैल्यू जाएगा। सो वैल्यू ऑफ एल अगर जीरो है तो ये एस हो जाएगा, वन है तो पी हो जाएगा, टू है तो डी हो जाएगा, थ्री है तो एफ हो जाएगा, फोर है तो जी आ जाएगा। अब नंबर ऑफ ऑर्बिटल सिमिलरली कितने कितने होंगे इसमें, तो इसमें से एक ऑर्बिटल होगा, पी में तीन होता है, डी में पाँच होता है, एफ में सात होता है, जी में नाइन होता है, तो इस हिसाब से रहेगा। अब मैं बोलता हूँ वो वैल्यू क्या होगा, जितना वैल्यू रहेगा उसके हिसाब से प्लस एल से जीरो माइनस एल तक। अब एल इज इक्वल टू, अगर आपका वैल्यू जो दिया है जीरो दिया है, तो जीरो दिया तो डायरेक्ट उसका क्या होगा, एक ही ऑर्बिटल होगा, उसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या जीरो हो जाएगा। मान लो पी दिया है तो पी में कितने हो गए आपके ऑर्बिटल, आपको पता है तीन, वो वैल्यू कहाँ से वरी करेगा, माइनस एल जीरो प्लस एल, तो मतलब माइनस वन जीरो प्लस वन, ऐसे ये वैरी करेगा। तो वो वैल्यू कितना आपका दिया, फॉर ईच वैल्यू ऑफ एल देर विल बी टू एल प्लस वन वैल्यू ऑफ एल। सपोज टू था तो कितना हो जाएगा, टू था तो पांच आ जाएगा, और वन है तो कितना आ जाएगा, थ्री हो जाएगा। तो पी के लिए एल की वैल्यू कितनी थी, वन था, तो यहाँ पे वैल्यू थ्री आ जाएगा, तो तीन ऑर्बिटल हो गए, तो उसका तीन मैग्नेटिक आपका क्वांटम नंबर आ गया। नाउ स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन क्वांटम नंबर जो था वो प्रपोज किया था हेलबेक में, गाउड स्मिथ ने प्रपोज किया था, और दिस क्वांटम नंबर अराइजेज ड्यू टू द स्पिनिंग नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है अपने एक्सिस पे, वो क्या स्पिन करते हैं, उसके हिसाब से स्पिन क्वांटम नंबर आया। तो उसमें दो टाइप के स्पिन डिफाइन किए गए, एक तो स्पिन अप होगा, ओके, और एक दूसरा स्पिन डाउन होगा। तो एक स्पिन अप का हो गया, एक स्पिन डाउन का, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये क्वांटम नंबर क्या है, इंडिपेंडेंट है अदर्स क्वांटम नंबर, इसलिए इस पर डिपेंडेंट नहीं है, बाकी क्वांटम नंबर्स पे डिपेंडेंट नहीं है। और यही ऐसे क्वांटम नंबर है जिसका नॉन इंटीग्रल वैल्यू होता है, या तो इसका माइनस हाफ होगा या फिर प्लस हाफ होगा। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर हो गया, इसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स मैं आपको बताऊंगा अपने नेक्स्ट लेसन में। तो ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया एज ऑफ नाउ के लिए, तो आप यहाँ पे देख लो एक बार। द फोर क्वांटम नंबर्स कंप्लीटली डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम बाई डिफाइनिंग इट्स प्रिंसिपल एनर्जी, सबसेल लेवल, ओरिएंटेशन ऑफ द ऑर्बिटल एंड द डायरेक्शन ऑफ स्पिन। तो एन इज इक्वल टू वन हो गया, एल इज इक्वल टू जीरो, एम इज इक्वल टू जीरो, और एस इक्वल टू प्लस हाफ। सिमिलरली एन इज इक्वल टू वन, मान लो एन इज इक्वल टू वन हो गया तो क्या होगा, ये एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक है, तो एल की वैल्यू भी क्या है, जीरो आएगा, तो एस ऑर्बिटल हो जाएगा। मीन्स अब एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ भी एम की वैल्यू जीरो आ जाएगा, और एस की वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस हाफ। और अब एक ऑर्बिट इसमें ऑर्बिटल हो गया, मतलब एल इक्वल टू जीरो, एक ऑर्बिटल, तो इसमें दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक अप जाएगा, दूसरा स्पिन डाउन होगा। अब ऊपर वाला जो अप जा रहा है उसको हम इस हिसाब से क्या नाम है, ये जो फोर सेट ऑफ क्वांटम नंबर से डिफाइन करेगा, और जो डाउन की तरफ इसका मोशन है उसको ये जो फोर सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है वो डिफाइन करेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन जो एटम में है उसका कंप्लीट अगर एड्रेस आपको बताना है तो वो क्या है, ये फोर सेट ऑफ क्वांटम नंबर से आप उसको बता सकते हो। तो ये छोटा सा समरी था आपको समझाने के लिए कैसे ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, और कैसे हेल्प करते किसी इलेक्ट्रॉन, किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने में, वो करेक्टराइज करने में कि वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा। अब नाउ इसका एक समरी मैंने पार्ट बनाया है, कंपिटेटिव एग्जाम्स में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये समरी आप पढ़ सकते हो। नंबर ऑफ सबसेल इन अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज एन, जितना वो होगा उतना नंबर ऑफ सबसेल होगा। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सेल कितना, एन स्क्वायर होगा।
तो एन स्क्वायर मतलब 3 है, अगर एन इक्वल टू 2 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने हो जाएंगे, जो टोटल नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ जाएंगे, 2 2 4 आ जाएंगे, क्योंकि 2s और 2p, p में 3 ऑर्बिटल और s में 1, तो टोटल सम कितना हो गया 4। तो इस हिसाब से इसको लिखा गया है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल 2n² जो कि मैंने आपको बता दिया पहले, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबसेल 2l+1, ये भी आप याद कर लो। नाउ द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल इज 2 × 2l+1। तो ये सारे क्या है, शॉर्टकट फार्मूले हैं जो आप याद कर सकते हो, कभी कभी कंपटीशन में पूछ लिया जाता है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस लेसन, आई होप यू अंडरस्टूड। और आपको कुछ इस लेसन में डाउट आता है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और कुछ और जानना चाहते हो तो भी कमेंट कर सकते हो। इसके ऊपर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डेफिनेटली मैं 2-3 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसके ऊपर डिस्कस करूँगा आपके इजीली इजी ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आपको और सही क्लैरिटी हो जाए। तब तक के लिए ये थ्योरी पार्ट आप कवर करो, और कुछ डाउट है तो कमेंट करो। सो थैंक यू सो मच। वन मोर रिक्वेस्ट इज देयर फ्रॉम यू गाइस, अभी तक अगर आपने मेरा ये लैंटन अकेडमी प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो सके। सो थैंक यू सो मच।